भगवान जगन्नाथ की जब बात होती है तो सबसे पहले याद आती है वहां की रथ यात्रा की। हिंदू धर्म में बहुत महत्व है हर साल होने वाली इस रथ यात्रा का। इसके पीछे भी एक रोचक मान्यता है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा प्रकट की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर देखने निकले। इस दौरान वे गुंडीचा स्थित अपनी मौसी के घर भी गए। तभी से हर साल यह रथ यात्रा निकल रही है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदलने की परंपरा है और मूर्ति बदलने की इस परंपरा से भी जुड़ी है एक परंपरा। इस दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर ब्लैक आउट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गोपनीय रखा जा सके। पूरी सुरक्षा का जिम्मा इस दौरान CRPF के पास होता है। एक बार अंधेरा होने के बाद कोई मंदिर में जा भी नहीं सकता। मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश करने की अनुमति होती है। उस पुजारी के हाथों में भी दस्ताने पहनाए जाते हैं और आंखों पर बांध दी जाती है पट्टी। यह इसलिए कि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में एक महत्वपूर्ण चीज को बदला जाता है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तो उनके अंतिम संस्कार के दौरान दिल छोड़कर बाकी शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। दिल उनका जिंदा रहा और मान्यता है कि श्री कृष्ण का दिल ही ब्रह्म पदार्थ है। यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। यदि इसे दूसरी मूर्ति में रखने के दौरान पुजारी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। कुछ पुजारियों ने ब्रह्म पदार्थ को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्हें हाथों में कुछ उछलता हुआ सा खरगोश जैसा महसूस हुआ। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से कभी परिंदों को उड़ते हुए नहीं देखा गया, ना ही कभी परिंदों को मंदिर के गुंबद पर बैठे देखा गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के उड़ने की भी मनाही है। मंदिर में एक सिंहद्वार है। माना जाता है कि जब श्रद्धालु इस सिंहद्वार के बाहर होते हैं तो समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस द्वार के अंदर प्रवेश करते ही आवाजें बंद हो जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं जलती हैं। माना जाता है कि सिंहद्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर जाते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। देखा गया है कि कितनी भी धूप हो, इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। इस मंदिर के ऊपर एक ध्वज लहराता है जिसे रोज शाम को बदला जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि अगर इस ध्वज को रोज नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 वर्षों में बंद हो जाएगा। इस मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोईयों में से एक है। यहां बनने वाले प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। रसोई में हर रोज 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय होता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। जगन्नाथ का भात यानी यहां का प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है, जिन्हें एक ही लकड़ी के चूल्हे पर एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। विशेष बात यह है कि 7वें नंबर पर यानी सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।